कुत्ते जाओ। हरियाणा में जाट आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। हरियाणा के 21 में से 11 राज्य जाट आंदोलन की चपेट में हैं। मौतों की संख्या 28 की बजाय अब 30 हो गई है। 20 साल के लड़कों ने कई महिलाओं को खेत में लेकर हैवानियत। जहां 1947 से लेकर आज तक पिछले 70 सालों में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, वहां ये सब मुझे भी जानना था कि असल में हरियाणा में क्या हुआ। आते ही गेट को फोड़ने तोड़ने लगे, फिर एक और पीछे से बहुत गिलकी मारते आए, इनको मजा चखा दो आरक्षण का, इनको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, पूरी धर्मशाला को आगजनी के हवाले कर दिया। मैं ऑन द स्पॉट था जब पहली फायरिंग, 4 आदमी मारे गए, नरसंहार हो रहा था, मेरा तो पांव काट दिया। किसी प्रकार की कोई मदद उस वक्त पहुंच नहीं रही थी, हर किसी को पता चल गया कि भाई पुलिस आई, उन्होंने बिना कुछ पूछे मारना शुरू कर दिया। जाटों के बच्चे पकड़े जा रहे हैं, बिल्कुल झूठे पकड़े जा रहे हैं। पुलिस को निर्देश दे रखा कि जिसको पकड़ना उसका सबूत साथ रखे। कुछ न्यूज चैनल्स ने दिखाया कि एक ट्रक ड्राइवर, उसने विटनेस किया है रेप को। गुज्जर आंदोलन के थे राजस्थान के फोटोज, वो सारे के सारे जाट आंदोलन में दिखाए। 2000 जाट गर्ल हॉस्टल में घुस गए हैं। बट दैट वाज कम्प्लीटली अ र्यूमर। 3-4 दिन NDTV पे चला, सब हमें दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार सैनी, रोशन लाल आ रही है, जैसे घटिया लोगों ने आग लगाने का काम दोनों नेताओं पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। दूर के बच्चों में एक और ठिकाना है, जाटों की नाश की कामना की जा सके। इसके लिए भी मुख्यमंत्री से मिले, कोर्ट में हमने याचिका डाली, लेकिन किसी प्रकार की न्याय नहीं मिला हमारे। ये घटना एक बहुत बड़ी साजिश के तहत की गई है। आगे फर्क कर जर्जर में उसको गोली लगी, कमाने वाला वही नीचे तो मर गया है, तो बुढ़ा बुढ़ी कौन टूक देगा। सब कुछ मेरा ही है, सरप्राइज, हम तो चोट खाने वाले हैं। बहुत बुरे काल मारा, 3 गोली लगी हुई, ये सब देखने से पहले मर जाते। पैसे का जो नुकसान हुआ है वो तो पूरा हो जाएगा, पर जिसकी जान गई है वो जान तो वापस नहीं आ सकती।